सैलाब अब तभी थमेगा जब देहरादून से भी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार मिले तो सरकार मिले। तो उनको तत्काल थोड़ा सा यहाँ पे प्राथमिक उपचार देके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। नमस्कार, समाचार देख रहे हैं आप, मैं हूं अमन राजपूत। आज उत्तराखंड के शीतकालीन विधानसभा सत्र का पहला दिन है और पहले दिन का विधानसभा सत्र उसके साथ ही काफी गहमा गहमी के साथ ही पहले दिन का विधानसभा सत्र शुरू हुआ है। और वही जो युवा कांग्रेस है वो विधानसभा सत्र का घेराव करने के लिए जा रही है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई गई है और काफी बल में पुलिस को तैनात किया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से सामने धक्का मुक्की चल रही है, पुलिस को बैरिकेड के ऊपर खड़ा होकर रोका जा रहा है। इसी के साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंधे पे बिठाया है और कंधे पे बिठा के हरीश रावत विरोध कर रहे हैं आज के विधानसभा सत्र का। हरीश रावत के साथ साथ कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है सब आज मौजूद है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन को भी देख सकते हैं बैरिकेडिंग पे किस तरीके से खड़े हो रखे हैं और इनके साथ ही तमाम बड़े नेता कांग्रेस के आज मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के एक और कार्यकर्ता हैं, क्या नाम है आपका? राव बिलावर जी, क्या कुछ कारण है इस तरीके से आज आप विरोध? देखिए, जिस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा युवाओं से झूठे वादे किए गए और युवा को ये कहकर के डबल इंजन की सरकार आएगी, रोजगार मिलेगा और किसानों को भी आजकल टारगेट किया जा रहा है, उन्हें बिल के नाम पर उन्हें अपमानित किया जा रहा है। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर युवाओं ने ये ठाना है कि इस डबल इंजन की सरकार को, जो कहने को डबल इंजन की सरकार है लेकिन बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज का युवा और राज्य की जनता त्राईमाम कर रही है। कांग्रेस के कौन कौन से बड़े नेता समर्थन में मौजूद है यहाँ पे? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस बीवी श्री महाराज जी, हमारे राज्य के प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी और हमारे भाई सुमित्र भुल्लर जी के नेतृत्व में आज युवाओं ने जो अंगड़ाई ली है, ये आज एक अंगड़ाई है, अभी आगे और बाकी लड़ाई है। चलिए, तो अभी ये अब अंगड़ाई है, आगे बाकी और लड़ाई है, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बताया। युवा कांग्रेस के तमाम बड़े कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सामने देख सकते हैं बीवी श्रीनिवासन किस तरीके से बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए हैं। हरीश रावत भी यहाँ पे मौजूद है। हरीश रावत को कंधे पे बिठा के बैरिकेडिंग के सामने खड़े हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेतागण है आज सब विधानसभा सत्र का विरोध करने के लिए आ रखे हैं। आप ठीक सामने देख सकते हैं बीवी श्रीनिवासन के बगल में देवेंद्र यादव जो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी है, वो भी आज के विधानसभा सत्र का विरोध कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर के साथ प्रीतम सिंह भी मौजूद है। प्रीतम सिंह सब बैरिकेडिंग पे बैठे हुए हैं। किस तरीके से विरोध हो रहा है आपको हम दिखाएंगे, सामने से दिखाने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, आपको ठीक सामने ले जाएंगे, देख सकते हैं किस तरीके से। आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं ठीक सामने से किस तरीके से उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए हैं। प्रीतम सिंह उत्तराखंड प्रेस कमिटी के प्रीतम सिंह हमारे साथ प्रतिमा जी युवा कांग्रेस की प्रवक्ता है, प्रतिमा जी से बात करेंगे। बिल्कुल प्रतिमा जी, क्या कुछ कारण है इस तरीके से आज आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से पिछले 6 सालों से जो नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा और आज 6 साल हो चुके हैं, आज मोदी जी कह रहे हैं कि आप नाले की गैस पर पकौड़ियां तले, तो इसी वही युवा बेरोजगार है। उत्तराखंड दूसरे नंबर पे बेरोजगारी में है और 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इस साल मोदी जी की सरकार में है। तो आज युवा कांग्रेस के साथ पूरा कांग्रेस परिवार भूपेंद्र रावत से पूछने आया है कि जवाब दीजिए, जो वादे आपने किए थे उसे पूरा करिए, नींद से जागिए। ये बेरोजगारी के लिए आपका विरोध है? बिल्कुल, बेरोजगारी और किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है दिल्ली बॉर्डर में, इतनी ठंड में हमारा अन्नदाता सड़कों पर बैठा और सरकार की
ये थी हमारे साथ प्रतिमा जी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता है। बेरोजगारी को लेकर और किसानों के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में आज कांग्रेस कार्यकर्ता इस तरीके से विरोध कर रहे हैं, विधानसभा कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारी पुलिस बल को यहां पे तैनात किया गया है ताकि कोई भी आगे की तरफ नहीं जा सके। आप देख सकते हैं ठीक सामने उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, सभी यहाँ तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। काजी निजामुद्दीन बेंगलोर से विधायक सब मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के साथ साथ जो उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, बेंगलोर से विधायक काजी निजामुद्दीन के साथ साथ तमाम कांग्रेस के बड़े नेता आज इस विरोध प्रदर्शन में आए हैं। बेरोजगारी इनका मुद्दा है, साथ ही जो किसान आंदोलन है उसके समर्थन में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? लोकमणि पाठक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर। अच्छा, तो क्या कुछ कारण है आप इस तरीके से आज विरोध कर रहे हैं? ये जिस तरह से मोदी सरकार ने झूठे वादे कर सत्ता में पधारी हुई, जो भी वादे उन्होंने किए थे वो सब झूठे निकले। 2 करोड़ प्रति वर्ष हम रोजगार देंगे करके, रोजगार देना तो दूर, जो रोजगार लगे थे उनको भी नौकरी छूट गई है। आज पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, किसान आंदोलन इस ठंड सर्दी में दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन 25 आदमी किसान के शहादत देने के बावजूद भी बीजेपी सरकार के दिल में ये नहीं आया कि भाई इनकी बात सुने। ये बेरहम सरकार, ये निष्ठुर सरकार और झूठे वादों की सरकार को उखाड़ में फेंकना होगा। कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है, रोजगार दो नहीं तो इस्तीफा दो, किसानों की समस्या सॉल्व करो, ये मांग है कांग्रेस पार्टी की। प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है, युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से सुन साबित हुई है। मोदी सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष हम रोजगार देंगे, उसमें पूरी तरह से सरकार फेल हो गई। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, प्रदेश के अंदर महंगाई की मार जनता झेल रही है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को जगाने के लिए आया है ताकि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार जागे और प्रदेश की सरकार जनता को, युवाओं को, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराए। अगर ये सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते तो इस सरकार को नैतिकता के आधार पर सत्ता में बने रहने का कोई राइट नहीं है, इसको कुछ से छोड़नी चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन को पुलिस के द्वारा उतारने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, सब अभी बैरिकेडिंग पे खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। तो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लड़, कांग्रेस के उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ साथ काजी निजामुद्दीन, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, तमाम बड़े नेता सब बैरिकेडिंग पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी बड़े नेता कांग्रेस के आज मौजूद हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव के साथ साथ तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम आज इकट्ठा हो चुका है। उत्तराखंड के सह प्रभारी राजेश धर्माणी ही मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी बड़े नेता आज बैरिकेडिंग पे बैठ चुके हैं। एक बाइट जी, तो आपका क्या नाम है? आपका महेश झोंडियाल, पूर्व जिलाध्यक्ष पौड़ी गढ़वाल। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल के पूर्व जिलाध्यक्ष मौजूद है हमारे साथ। क्या कुछ कारण है इस तरीके से आज आप लोग विरोध कर रहे हैं? रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो, इस मुद्दे पर आज का विधानसभा घिरा हुआ है और इस बात के साथ पूरी कांग्रेस पूरे उत्तराखंड के लोगों के समर्थन से इस प्रदेश सरकार का विरोध कर रही है, घेराव कर रही है कि जो भी इन्होंने चुनाव के समय वादे किए थे वो सब जुमले साबित हुए हैं। अच्छा। जिस तरह से केंद्र सरकार के वादे जुमले साबित हुए थे, प्रदेश सरकार के वादे भी जुमले साबित हुए हैं। और कोरोना काल में आपने देखा होगा कि प्रवासी जितने भी आए थे क्षेत्र में, गाँव में, अपने उनके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं, तमाम वादे इनके झूठे हुए। इस बात के विरोध में सरकार उखाड़ फेंकने, रोजगार का मुद्दा है, इनका कहना है कि रोजगार दो या गद्दी छोड़ दो, इसीलिए आज सभी जो कांग्रेस के बड़े नेता है सब आज मौजूद है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग पे खड़े होकर सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विरोध कर रहे हैं। काजी निजामुद्दीन, प्रीतम सिंह, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रभारी, सभी बड़े नेता आज बैरिकेडिंग पे चढ़ के विरोध कर रहे हैं। बीवी श्रीनिवासन, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है सब आज मौजूद है।
पहला दिन है आज उत्तराखंड के शीतकालीन विधानसभा सत्र का, और देखिए किस तरीके से आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। मुद्दा इनका है, मांग इनकी है कि रोजगार दो या गद्दी छोड़ दे, गद्दी छोड़ दो। आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं रिस्पना क्षेत्र में, जो विधानसभा है उससे थोड़ा ही पहले पड़ता है ये क्षेत्र, और इससे तो आगे जाके कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी। कांग्रेस कार्यकर्ता आज विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाई गई है, काफी पुलिस बल को यहाँ खड़ा किया गया है ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता आगे ना जा सके और जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें का कोई बाधा उत्पन्न ना कर सके। और आपको साथ ही मैं ये भी बता दूं, जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, मंगलोर से विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव काजी निजामुद्दीन भी मौजूद है, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी जी श्रीनिवासन भी यहाँ मौजूद है, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी सह प्रभारी देवेंद्र यादव भी आज यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी बड़े नेता बैरिकेडिंग पे खड़े हो रखे हैं, बैरिकेडिंग में खड़े होके विरोध कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, देवेंद्र यादव, बी सी श्रीनिवासन, काजी निजामुद्दीन, तमाम बड़े नेता आज मौजूद हैं और विरोध कर रहे हैं आज के विधानसभा सत्र का। आप देख सकते हैं इनकी मांग है रोजगार दो या गद्दी छोड़ दो, ये इनका मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर आज ये विरोध कर रहे हैं। जो बड़ा मेन मुद्दा है, मुख्य मुद्दा इनका ये है कि रोजगार दो या गद्दी छोड़ दो। आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता आज विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए हैं, सभी जो वरिष्ठ नेता है। ऐसी बात नहीं है कि ये कार्यकर्ता है, जो सब वरिष्ठ नेता कांग्रेस के वो अभी बैरिकेडिंग पे चढ़ रहे हैं। पुलिस भी इनको उतारने की कोशिश कर रही है बातचीत करके, लेकिन अभी भी सभी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पे मौजूद हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। कुछ कार्य इस तरीके से जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करते हैं। ये पुलिस को मैं कहना चाहता हूँ, ये ज्यादा दिन नहीं चले, किस तरीके से व्यवहार किया इन लोग ने, आपने देखा इन लोग ने जो बड़े बड़े वादा किया था रोजगार के बारे में, वादा किया था हम रोजगार मांग रहे हैं, जो इन्हें चार लोग को रोजगार दिया है ना उसके ऊपर जा देना चाहिए। मेयर को बेटी को कैसे इन लोग ने नौकरी दिया है, आम लोगों को नौकरी क्यों नहीं दिया है? जब तक इन लोग ने वापस इन चारों को वेल्ड करना चाहिए, आम लोगों को नौकरी देना चाहिए। जब तक नहीं करेगा तब तक लड़ने का काम करेंगे। ये जो शीतकालीन विधानसभा सत्र चल रहा है इसका आप लोग विरोध करेंगे, 100% विरोध करेंगे। इस देश में सभी वर्ग सभी समाज इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो एक तरफ यहाँ युवा आवाज उठा रहे हैं, एक तरफ किसान आवाज उठा रहे हैं, सीमा में जवान आवाज उठा रहे हैं, एक तरफ महिला आवाज उठा रहे हैं। एक सरकार सुनने का आदत नहीं है, ये सरकार गुंगे बोरे निकम्मे सरकार है। इस देश का युवा इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगा। आज ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, ये कब तक चलता है, कब तक जारी है? हम पूरा उत्तराखंड में ये युवा उत्तराखंड का युवा का साथ खड़ा है, उत्तराखंड का युवा का एक एक महिला सभी वर्ग सभी समाज उनके साथ खड़ा है। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक सरकार का काम करेंगे। सबसे ज्यादा करप्शन को ही किया है इस उत्तराखंड सरकार ने किया है, कांग्रेस सरकार आते आते सारे लोगों को जेल देने का काम करेगी। मुख्य मुद्दा बेरोजगारी ही है आज 100% इस देश के युवा के साथ विश्वासघात किया है इन लोगों ने। हमारा मुद्दा रोजगार दो, सरकार रोजगार मिले तो सरकार मिले। आज आप लोग विरोध कर रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक वादा किया था 2017 के अंदर कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारी सरकार बनाइए, हम आपको रोजगार देंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि केंद्र में बैठे हुए मोदी सरकार और राज्य बैठे हुए त्रिवेंद्र सरकार ने जो वादा खिलाफी जनता के साथ किया उसको लेकर आज हमारे युवाओं के अंदर आक्रोश है, क्योंकि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा इन्होंने किया था लेकिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो नहीं दिया, और नोटबंदी के द्वारा कम से कम 12 करोड़ लोगों की नौकरी छीनने का काम इन्होंने किया, उसको लेकर आज युवा सड़कों पर। हमारी मांग है कि रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो। आपका ये शुरुआत है, जब तक त्रिवेंद्र सरकार 37 से ज्यादा भी नहीं इन युवाओं की
मांगों को पूरा नहीं करेगी तो इसी सरकार चलता रहेगी। ये विधानसभा सत्र का विरोध करेंगे, इस बार के विधानसभा सत्र का आप लोग विरोध करेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया था, चाहे विधानसभा के बाहर हो या विधानसभा के अंदर, इन युवाओं की, किसानों की आवाज बुलंदी के साथ हम रखेंगे। आज उसी क्रम में हमारा ये पहला प्रदर्शन है। इसके बाद गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर युवाओं को जागरूक करने का युवा कांग्रेस काम करेगी। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक, राजपुर रोड के पूर्व विधायक राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार जी, क्या कुछ कारण है इस तरीके से आज तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं सब विरोध कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो लाखों लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आज 4 साल बीतने जा रहे हैं, लगातार इन्होंने कोई भी ऐसी नौकरी नहीं निकाली, जबकि कांग्रेस शासन काल में हजारों हजारों लोगों को उपनल के माध्यम से या अन्य माध्यम से पुलिस की भर्ती और बहुत सारी भर्ती नौकरियां दी गई, लेकिन आज ये सरकार बुरी तरह फेल है। महंगाई का ऐसा आलम नहीं, आज किसान रो रहा है, श्रमिक रो रहा है, मजदूर रो रहा है, ये सरकार के कारण जू नहीं रह गई है। सोई बहरी गंगी सरकार को जगाने के लिए आज यूथ कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। आने वाले समय में हम लोग इसी प्रकार का प्रदर्शन करते रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी, हरीश रावत जी, क्या कुछ कारण था इस तरीके से आज कांग्रेस उग्र होकर आंदोलन कर रही थी? ये भाजपा की और त्रिवेंद्र सरकार की कुनीतियों के खिलाफ युवा आक्रोश है, जो उनकी रोजगार विरोधी, नौजवान विरोधी नीति के खिलाफ युवक कांग्रेस के नेतृत्व में सड़कों पर निकला है, एक सैलाब के रूप में निकला है। और ये सैलाब अब तभी थमेगा जब देहरादून से भी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ के संकल्प को पूरे देश में ले जाएंगे। आज ये विरोध कब तक चलेगा? तो हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, इन्होंने भी कहा ये विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार बदल नहीं जाती है। जी, क्या कुछ कारण है इस तरीके से आज आप लोग उग्र हो चुके हैं? जो उत्तराखंड में जो भाजपा सरकार है, जो गूंगी बहरी बनी हुई है, बिल्कुल युवाओं का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, और पूरे उत्तराखंड में इतनी बेरोजगारी फैल चुकी है कि छात्र और बेरोजगार मतलब आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से आज हमने विधानसभा घेराव किया है और हमारी मांग है कि यह सत्र बढ़ाया भी जाए और युवाओं की मांग उठाई जाए। यहाँ पूरे प्रदेश से लाखों हजारों की तादाद में युवा आए हैं, उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया है कि रोजगार दो या गद्दी छोड़ दो। कांग्रेस का जो आज का ये विरोध है सिर्फ इसलिए, मुख्य जो इनका मुद्दा है आज के उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा है, इसी की मांग को लेकर, इसी को लेकर इनका विरोध है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीसी श्रीनिवासन को उतारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लोग टस से मस नहीं हो रहे। वहीं इस उम्र के पड़ाव में, इस उम्र के इस पड़ाव में भी हरीश रावत इस तरीके से आज समर्थन करने आए हैं और बैरिकेडिंग पे बैठे हुए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी बैरिकेडिंग पे बैठे हुए हैं। सुमित बुल्लड़, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी बैरिकेडिंग पे बैठे हुए हैं। सभी जो तमाम कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है, सब कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक हुजूम आज यहाँ पे मौजूद है। ये एम्बुलेंस को भी बुलाया गया है ताकि किसी को कुछ नुकसान हो, कोई क्षति हो तो उनका साथ दिया जा सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे एक पुलिस वाले भी बेहोश हुआ था, पुलिस वाले को भी एम्बुलेंस के द्वारा ले जाया गया है। अभी एक पुलिस वाले को नुकसान हुआ है, पुलिस वाले भी बेहोश हुआ है, उनको भी ले जाया गया है। सूर्यकांत दसवाना जी हैं हमारे साथ। सूर्यकांत दसवाना जी, क्या कुछ कारण है आज आप इस तरीके से विरोध कर रहे हैं? पूरे प्रदेश के अंदर त्राहिमाम हो रखा है जी। बेरोजगार नौजवान 4 साल से इंतजार कर रहा है विज्ञप्ति देखने के लिए, आंखें तरस गई उसकी। राज्य में कोई विभाग, पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, वन विभाग हो, कोई विभाग ऐसा नहीं है जिस विभाग में भर्ती निकली हो। राज्य में 22.3 की बेरोजगारी दर से पूरे देश में सबसे ऊपर के पायदान पर आज उत्तराखंड पहुंच गया है। बेरोजगारी का आलम यह है, तमाम 3 लाख प्रवासी आए हैं, 12.5 लाख बेरोजगार नौजवान उत्तराखंड के अंदर है। त्रिवेंद्र सरकार ने वादा किया था डबल इंजन की सरकार लाओ, ट्रिपल इंजन की सरकार लाओ, सरकार में आएंगे तो जितने सरकारी पद खाली पड़े हैं उनमें भर्ती होगी। कहाँ भर्ती है?
आज बेरोजगार नौजवान निराश हो गया है और जब अब चुनाव का वर्ष आ गया है, चुनाव के वर्ष में अब सब्र नहीं हो रहा है नौजवानों से, और आपने देखा ये पूरा बेरोजगार नौजवानों का जो सैलाब है ये कहने आया है त्रिवेंद्र को कि अब तुम्हारी विदाई का समय तय हो गया है, अब तुम्हारा यहाँ पर रहना मुमकिन नहीं है। इसलिए आज ये युवक कांग्रेस के नेतृत्व में जो हमारा नौजवानों का हल्ला बोल था ये बेरोजगारी के मुद्दे पर था, और बेरोजगारी के मुद्दे पर हम इस सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। तो ये 3 दिन का विधानसभा सत्र है, क्या कांग्रेस का बहिष्कार करेगी? नहीं नहीं, बहिष्कार क्यों करेंगे, विधानसभा के अंदर आवाज उठाएंगे हम, सदन में भी और सड़क में भी। बेरोजगार नौजवानों की, आम जनता की, कर्मचारी की, पूर्व सैनिक की, महिला शक्ति की, तमाम लोगों की लड़ाई हम लड़ेंगे। बद इंतजामी जो कोरोना में हुई है, आज हमारे यहाँ 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 86,000 का आंकड़ा पार कर गया उत्तराखंड, कहाँ है सरकार? सरकार नाम की चीज नहीं है। तो इसलिए सदन के अंदर भी और सदन में और सड़क में भी हमारी लड़ाई जारी रही। अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून के सिटी मजिस्ट्रेट के साथ, कुसुम जी के साथ। कुसुम जी, किस तरीके से आप लोगों ने आज ये नियंत्रण किया, क्या कुछ कठिनाइयाँ हुई, और क्या एक शायद पुलिसकर्मी भी यहाँ पे बेहोश हो गए थे? यहाँ पे सबसे पहले एक पुलिसकर्मी थे, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो उनको तत्काल थोड़ा सा यहाँ पे प्राथमिक उपचार देके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और साथ में जो आप यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और यूथ कांग्रेस का जो जुलूस था वो भी थोड़ा सा धक्का मुक्की के बाद शांतिपूर्वक निपट गया है।